चुड़ैल, अब वो डाउनलोड कर लेंगे एकदम, याद करो याद करो, फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ, फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलिए, भीड़ रहता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। लड़की लोग को कहते हैं जितना तकलीफ लड़के सह के पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। इन बेचारों को देखिए ना कितना मेहनत है, देखिए इसको। किसी लड़की को हम बोल देंगे काला साड़ या मंगरीला तो कल से क्लास छोड़ देगी, कोई ठीक नहीं, जाके FIR लिखवा देगी। ये बेचारों को झोड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जमीन पे बैठा रहता है, लसराए रहता है इसे। हाँ, लड़कों का दिल एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा। हम तो अपने को भी बोल देते हैं मंगरेला, लड़के किसी चीज को ना सुनते ऐसे निकाल देते हैं, मतलब वो खराब चीज को सुनेगा सब निकाल देगा सर। लड़की उल्टा होता है, वो बढ़िया का चीज निकाल देती है। हाँ, खराब का डाउनलोड कर लेती है सर। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल, अब वो डाउनलोड कर लेगा एकदम, याद करो फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट में चुड़ैल बोला था। चलो डिस्टर्ब नहीं, चलिए याद के। ये नहर का नाम बता सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, दुनिया की सबसे लंबी नहर भी तो इंदिरा गांधी। 1974 में इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है, परमाणु बम बनाना है। कब कब डिसाइड किया इन्होंने? 1974 में। बट उस समय हम लोग उतना डेवलप नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोची। लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। 1974 में हम लोग के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी बढ़िया, राजदूत उष्टू टाइप का थी सब। वहाँ फ्रीडम तो इधर आया है यार, 1974 में फ्रीडम कहाँ था, यमा वगैरह था। यहाँ पर इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन गलती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस परीक्षण का जो नाम था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो हो गया बात वही, भड़कइबो किए लोग, फूस दे करके रह गया, पकड़ा गए हम लोग। अब अमेरिका हम लोग पे दबाव बना दिया, अमेरिका ने एक नियम बना दिया CTBT और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कोई भी व्यक्ति परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, और बैन लगा दिया। ना आपको जल पे परीक्षण करने देंगे, ना थल पर परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे, पूरा बैन लगा दिया। और NSG बना दिया, नेशनल सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा। तो हम लोग बस यूरेनियम ही नहीं था, चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो CTBT था, परीक्षण करने नहीं देगा। भारत ना NSG को माना है, ना CTBT को माना है, और NPT लगा दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि, की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा कि परमाणु बम बनता कैसे, मतलब साला चोट्टा चारों ओर से घेर दिया। कभी कभी गरिया देते हैं यार, क्या हम मशीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिए वही बोलेंगे। देश पे बात आती है तो हम सब भुला जाते हैं, तू दोस्त है ट्रंप है कि बाइडेन है, सोच रहा भाड़ में जा तू कोनो चीज हो। यहाँ पहले हमको मतलब तुम बनाओ परमाणु बम कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिवाली वाला धुकधुकुआ बनाएंगे। मतलब NPT क्या कहता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, की नाभिकीय अप्रसार संधि, कि कोई देश दूसरे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देगा। NSG कोई देश मतलब बिना परमिशन NSG के बिना मीटिंग के मतलब यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगा, और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने CTBT पर साइन किया कि हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। जी भाई साहब, परीक्षण माने बम बना के क्या कर लेंगे, मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया ठीक है, और NSG से हम सप्लाई करके यूरेनियम भी ले लिए, NPT कहता है बम में परीक्षण नहीं करने देंगे, तो भाई बना के रखने से थोड़े होता है, एक बार पटके वो काम कर रहा है कि नहीं, पता चला बना के रख लिए युद्ध में पटके तो धुआं दे के रह गया। तो एक बार परीक्षण मतलब चारों ओर से हम लोग को घेर दिया था। अब भारत वाले वैज्ञानिक भी तो मतलब है सब उसी हिसाब के ना, भारत वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, एकरा समझ में नहीं आ रहा है, अमरीका से कहिए तू हमारे यहाँ परमाणु बिजली घर लगाओ। तो इंदिरा गांधी थी ना, अमेरिका को फुसला दी, कही कि देखिए ना गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वहां परमाणु बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली बनेगा, लाइट बत्ती जलेगा,
आप बिजली घर लगाइए, सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, आज जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना मोलाई तो रेट बढ़ा दी है, अजब हाल है भाई। महिला मोलाई ना करे, ऐसा हो सकता है? महिला को कोनो सामान फ्री में कहेंगे तो कहेगी दूगो दे दो। अमेरिका ने सहयोग कर दिया, हाँ हाँ हम पूरा परमाणु बिजली घर बना देंगे, बिजली बनेगा आपके यहाँ, भुकभुकवा लाइट जलेगा एकदम। तारापुर में 1972 में बिजली घर लगा दिया। अब बिजली घर चलेगा कैसे? इंदिरा गांधी कहा, हमें यहाँ यूरेनियम नहीं है, एक काम कीजिए जो बिजली घर लगा है ना उखाड़ के ले जाइए अपना, ठेका कैंसिल का। अरे पगली कही के तो पैसा दे, तो पैसा कौन चीज का, ये तू कौन चीज तू बनी ले NSG कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। कहा अच्छा तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो यूरेनियम लिया था हमें बिजली घर में भड़काने के लिए। अरे भैया तू ले आओ ना, ओके हम लोग ना डिसाइड करेंगे इसको भड़काना किधर है। इधर आया 1972 में तारापुर में, उधर तैयारी चल रही थी 1974 में। हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया। बाद में पता चला गलती हो गया, अमेरिका होशियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है वो 20% इनरीच रहता है, अब परमाणु बम में 80% इनरीच चाहिए होता है। हमसे गलती हो गया ससुरा, जातो गया भातो ना मिला, भड़काइयो दिए बदनामो हो गए लोग, सब सतर्क हो गया, सब हरक गया, सब देहात में बोला जाता है ना हरक गया सब। ले भाई हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग वो कच्चे मसाला पे भड़का दिए थे लोग। अब क्या हो, इस सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था। तो बस अब भारत में वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी ने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, कहा कि बनाइए। अब भारत में धीरे धीरे आगे गए, एक से एक वैज्ञानिक मिल गए सब, उसमें एक चिदंबरम थे बहुत मस्त वैज्ञानिक, और उसके बाद मिल गए हमारे APJ अब्दुल कलाम, सोने पे सुहागा। इन्होंने परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अब तब तक लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री डरे, उन लोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाणु भड़काइए, क्योंकि अगर फूस हो गया, देखिए भड़क के सक्सेस हो गया तो किसी के बाप की औकात नहीं फिर कुछ बोले, भड़का दीजिए उसको, ओके बात कर कौन चीज बोलता है, ले अरे ले तो कौन चीज रहे नहीं। लेकिन अगर भड़काए फूस कर गया तब तो पिटा जाएंगे। जापान पर परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचाप देख लिया था, जापान के पास परमाणु बम रहता ना, अरे बाप रे बाप, उनको तो दिखाया रहता जापान, वो मार मारा रहता ना जिसका कोई हद, मजबूरी हो गई थी। तो भारत के सामने यही रास्ता था कि भैया अगर भड़का दिए और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इस बार माफी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1974 में एक बार माफ कर दिया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं, अटल हम जो लोग हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो दो महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, और ये सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा, मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे और कुछ नहीं। यहाँ पे गलवान में चीन घुसा है ना चट्टा, अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो क्या बता रहे थे, दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया APJ अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए कितने गए किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्योछावर करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी APJ अब्दुल कलाम, कोई है जो गिर जाएगा? हाँ उससे अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल रहे। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। APJ अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमरीका को पता चल गया कि APJ अब्दुल कलाम चल गया वहां, ये पक्का सफल कर देगा। तो उसने उसके ऊपर ना सेटेलाइट छोड़ दिया, अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब यही गलती कर दिया अमेरिका ससुरा, APJ अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना आइए नासा आइए, तो APJ अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में, ऐसा ना इंडिया में है टूटल फूटल स्टेबलाइजर रख ले रहता है, स्टेबलाइजर का नट उड़ जाता है तो पिलास से दाब के करता है, कहा वहां वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे यहाँ पर।
कहे कि ठीक है, हम नासा का हेड हम का करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक एक चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत माँ है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, और यही सच रहा, उससे गलती हो गया, वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक कहा सर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की, अब क्या किया जाए। तो कहे कि देख भाई, इस अमेरिका के जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है, इसी बीच में जो करना है करो। कहे कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको, एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहां मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहां युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है, इसी पे जो बम मार्केट प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा, लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधिया रहा है कि नहीं। तो लोगों को लगा हाँ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमरीका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते हैं। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर, तो भनक लग गया। तो अमरीका ने उस सेटेलाइट की टाइमिंग घटा दी, जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था, लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस दे करके रह गया, समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था, तब क्या किया गया, सेटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था एपीजे अब्दुल कलाम को, इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि ये काम करते हैं हम, अब आ गया हम, मई में इसका बम फोड़ देंगे, कोनो दिन में, 9 तारीख चाहे 11 तारीख, कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमरीका कौन चीज करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998 डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर, दो दो दिन किया था, एक 9 मई को भी, फिर 11 मई को, पहले 11 मई 1998, शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला, अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा, तुरंत यहां पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही, जो बिल्डिंग उल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा भयानक। अब परमाणु बम क्या हो गया, लगभग लगभग सफल हो गया, वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा, आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट हुआ उसका घूम के आ रहा था, और पकड़ लेता तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, पता चला कि सफल नहीं हुआ, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया, तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सेटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे, कहीं मतलब धुआं हुआ, तूफान आया है वहां पे। तूफान आया है, सोचा वहां से चला गया, तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस, अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, दूगो फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुर अमरीका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है। अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है, भाई अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली हैं, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आगे दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए, आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही, अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखमुकाइल थे, अमरीका क्या करेगा ओके पते नहीं है। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, पता ही नहीं चला अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुख भुगा ये नहीं रहा, तो कह रहे ओकरा पते ना चलल है, एक काम करते हैं आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम। तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए,
दुगो गैप करके, जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े पता ही नहीं चला दूसरा, लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 गो फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल, ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जिन जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ फोन किया अमेरिका को कि बकलोलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। अमेरिका ससुरा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम यहाँ पे। नासा वालन को गरियाया घिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सेटेलाइट लगाओ आई लगाओ वहां पे, कुंची देख रहा था लोग वहां पे, कह रहा कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठल है वहां पे। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को लड़का दिया कि भारत, अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वह आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं है। अब पूरी तरह तबाह हो गया यहाँ पे, अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो, अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बमवा बनाया है ना 2-4 गो फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए, फोटोकॉपी मतलब उसका बना होना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा, एडवांस है वो बहुत, आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद किया था। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना ठीक नहीं है, पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। एक हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है क्या हो रहा है, देखा कि कुछ नहीं हुआ इहो चुप पे फोड़ दिया। अमरीकवा एकदम ककुआ गया एकदम, कह रे चट्टा कहीं का तू क्या फोड़ा रे, तो पाकिस्तान वहां झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, हो फोड़ ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे, आप हम कमजोर है तो हमरा बोल देंगे, एक काम कीजिए आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचा हमरे पे खेल गया हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया, अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया, जैसे अभी सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा, जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया, भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं, और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा, भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है, पेंट मार रहा है उसको कहीं काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे तो हाँ तार और घींच देते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है, काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा ये बोरा नीचे उतार दो तो ये सब बड़ी काम कर देता है, मेहनती होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में, खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा तो खाई नहीं है चालू तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे, पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, इसकी यहाँ के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है, अरे चोटा कब मार करेगा कोई ठीक है नहीं है यहाँ पर, ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला, अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना वहां अच्छा से हंसी खेती से ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहाँ झगड़ा होगा ना तो वो दोनों वहां झगड़ा कर लेगा सर, तोर अब्बा काहे मर लो हमरी खाला को वहां मार कर ले, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था, अमरीकवा अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं,
हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एक काम कर बेचते हैं। ससुरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया, किंग जोंग पगला को देखे उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है, सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा। कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब, एक महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे अमेरिका कर रहा, अरे पाकिस्तान में चोट्टा का कर रहा है, कर का कर रहा है, मरे हम भूखे मरे, आप प्रतिबंध हटा दिए नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया, इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा कि रे ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। समझ आ गया? तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतरराष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना, तो दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन ये चुट्टा उसको समझ में नहीं आता है, अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। परमाणु परीक्षण समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत कहां होता है? पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? परमाणु की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत पर, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने कहा हम नहीं तोड़े, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, कौन सी बोलता है चुराए हम बनी ले, बताएं कैसे बनता है। कहा कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप चट्टा, कहीं का चोरी से मंगाया, हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए, हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग, यहाँ पे भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोपे, तब इस पे ठोक दिया भारत पे, आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया, जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े, सीटीबीटी कहता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था, जमीन के अंदर। तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि विवेक बल शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को नांग नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी हाउ पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की है कि नहीं। नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है, यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। काम खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा काम। आप इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे लो, आज के